मकराना, इस बार भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर होगी। नागौर, मकराना। बात अब नागौर जिले की उस विधानसभा की, जहां इस बार भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मार्बल सिटी मकराना विधानसभा की, जहां इस बार कांग्रेस ने पूर्व विधायक जाकिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है और भाजपा ने साल 1993 में विधायक रहे रूपाराम मुरावतिया पर अपना दांव खेला है। मकराना में कभी भाजपा कभी कांग्रेस से बागी खड़े होकर राजनीतिक समीकरण बिगाड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ना तो भाजपा में से कोई बागी खड़ा हो रहा है और ना ही कांग्रेस से कोई दावेदार बागी बनकर चुनाव में उतर रहा है। ऐसे में जाकिर हुसैन गहसावत और रूपा राम के बीच सीधा मुकाबला होने से यह मुकाबला महामुकाबले के रूप में तब्दील हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि मुकाबला बहुत रोचक होगा और परिणाम बहुत कम अंतर से सामने आएगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने आज नामांकन के आखिरी दिन रिटर्निंग अधिकारी अशोक चौधरी के सामने अपना नामांकन पेश किया। मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर हुसैन, जो कि नागौर जिले कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और नागौर जिले में भी सभी 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। वर्तमान भाजपा सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए कि पिछले 5 साल में स्थानीय विधायक के साथ साथ प्रदेश सरकार ने भी जनता के लिए कुछ खास नहीं किया और यही वजह रही कि मकराना का मार्बल व्यवसाय पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि मकराना के विधायक बनते हैं तो उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान जो काम अधूरे रह गए थे और इन 5 सालों में मकराना के विधायक उनको पूरा नहीं करवा पाए, उनको पहले पूरा कराएंगे और उसके बाद आमजन और किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी रूपाराम मुरावतिया ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सिस्टम में भ्रष्टाचार कैसे कम हो, यह रहेगी। साथ ही मकराना मार्बल व्यवसाय के लिए भी कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मकराना से जितेंद्र सैन की रिपोर्ट। भाजपा ने आपके प्रति जो विश्वास जताया है और आपको मकराना विधानसभा से टिकट जो मिली है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाजपा ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है उसके बारे में मेरा यही सोचना है कि मैं जब निर्दलीय एमएलए बना, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मेरे कार्यकाल को लोगों ने नोट किया, देखा, उसके बाद मैं पहला भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रधान छोटे भाई की बहू बनी भाजपा से, राजस्थान में बल्कि नागौर में या मकराना में पहली बार। राइट। उसके कार्य शैली को, उसके कार्यकाल को भी लोगों ने देखा। शायद मेरे बारे में, मेरी एक्टिविटी के बारे में, मेरी जो कार्य शैली के बारे में भी बीजेपी ने देखा होगा। लेकिन इस बार मैं खास बात ये कहूँगा, मेरे टिकट की शुरुआत यहाँ मकराने के क्षेत्र की जनता की सोच के आधार पे हुआ, ये सच है 100%। यहाँ के लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई इस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, भैरू सिंह जी की सरकार गिर रही थी तो मैंने बिना किसी शर्त के, बिना किसी लोभ के उनको समर्थन दिया। वो भी लोगों के मन में था, एक जाति विशेष के नाते वगैरह के पॉलिटिशियन की कोई जाति विशेष नहीं होती, तो एक जाति विशेष के लोगों ने सोचा कि भैरू सिंह जी के राज में इन्होंने उनकी सरकार बचाई, उसके बाद में कुछ लोग मुझसे नाराज हुए जो मुझे हार का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो महंगे का मुद्दा लेके चलेगी, गरीबों किसानों का मुद्दा लेके चलेगी, जिसको गरीबों को समर्थन मूल्य मिले जाए, हर गरीब किसान का काम होए, हर गरीब किसान की आवाज विधानसभा में पहुँचा के जो जो यहाँ की समस्या है, जो पिछले 5 साल पहले जो कांग्रेस राज के अंदर जो काम हुए थे वो काम आज पूरे पूरे अधूरे पड़े, और जनता के भावना अनुसार जो जो इनकी शहर ग्रामीण जो जो अधूरे काम है उनको सबसे पहले हम पूरे करेंगे। क्योंकि कांग्रेस टाइम के अंदर जो स्वीकृतियाँ थी, चाहे नगर परिषद का भवन हो, चाहे सड़कें हो, हमने 450 ट्यूबवेल कहे थे, उन ट्यूबवेलों पर आज तक मोटर नहीं लगी, ना कोई मोटर लगी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ भाजपा राज के अंदर। सबसे पहले तो जो अधूरे काम पड़े थे हम उसको पूरा करेंगे, उसके बाद हर गरीब हर किसान की आवाज़, जो जो समस्या है, जो 5 साल तक किसान 5 साल दुखी रहा, उनकी आवाज़ हमारे प्रधान जी, मजी राजवीर साहब, पूर्व एमएलए साहब, हमारे भवला जी, पूर्व मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, चेयरमैन साहब, प्रधान जी, समझ जी, मुखिया जी, सब लोग, हम सब मिलके टीम वर्क काम करेंगे। और मैं जनता का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, और खास तौर पे हमारे राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे तीसरी बार पार्टी का मतलब उम्मीदवार बनाया, प्रत्याशी बनाया। मैं पार्टी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हूँ। मैं गया गली गली में, गया छोटे गांव में, गया
कि भाई इस बार अगर रूपा राम जी को उम्मीदवार बनाए तो हम जिता सकते हैं। मैं पार्टी के बड़े नेताओं को, टिकट देने वाली कमेटी को धन्यवाद। ठप हो गया जब मैं एमएलए बना था, भोलाल जी भी एमएलए थे, इन्होंने रोल्टी कम कराई थी, फिर मेरे टाइम के अंदर 350 रुपये रोल्टी मिलती, उस रोल्टी को 300 रुपये कराए, आज रोल्टी की रेट 550-600 रुपये पड़ गई, GST लगने से इतना मार्बल महंगा हो गया। आज यहाँ खरीदार हमारे यहाँ मकड़ा मंडी के अंदर कोई भी नहीं आ रहा है। ये सारी सारी समस्या जो चली है ये सब ये बीजेपी कार्यकाल के जरिए, इसलिए 5 साल तक हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ दुखी रहा। कांग्रेस के पहले भी एक साथ थी, आज भी एक ही साथ है, और भाजपा को ना पहले फायदा हुआ था ना अब होगा, और कांग्रेस की पूरे राजस्थान के अंदर ले चल रही है, और आज हम सब लोग आज आप देख रहे, पहले भी एक थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप मतलब आप खुद देख रहे हो मकड़क झील नागौर जिले में सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगी, जनता की आशीर्वाद से। पूरे नागौर जिले के और क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष आप? पूरे नागौर जिले के अंदर 10 की 10 विधानसभा हम सीटें जीतेंगे, और बहुत अच्छा टिकट वितरण हुआ है, और कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी जहाँ टिकट अभी देख रहे हो आप, कहीं जगह मतलब धरना प्रदर्शन कोई हुआ हमारे जिले में कहीं।